के लिए पानी लेने जाता है, वो दूसरा पाकिस्तानी भी यही हरकत दोहराता है, उस हिंदुस्तानी का दूसरा जूता निकालता है, उसमें भी थूक देता है और वापसी सीट के नीचे रख देता है। हिंदुस्तानी पुणे आता है, पानी पिलाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद जब उसका स्टेशन आने वाला होता है, वो सोचता है कि चलो अपने जूते वूते पहन लिए जाए, बैग लगा लिया जाए। ये सोचकर जैसे ही वो सीट के नीचे से जूते निकालता है तो देखता है कि उसके दोनों जूतों के अंदर थूका हुआ है। अब उसको थूक देखते ही ये बात समझते हुए देर नहीं लगती कि ये इन दोनों पाकिस्तानियों की हरकत है, मगर वो अपना आपा नहीं खोता, बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर उन दोनों पाकिस्तानियों के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि भैया आखिर ये बैर कब तक चलेगा, आखिर ये दुश्मनी हम कब तक निभाएंगे, आखिर कब तक तुम हमारे जूतों में थूकोगे और आखिर कब तक हम तुम्हें थूका हुआ पानी पिलाएंगे। शहीदों को मोमबत्ती जलाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं भाई चौधरी फकीर अहमद जी पूर्व विधायक एवं श्रीमती सत्या शर्मा जी महापौर पूर्वी दिल्ली नगर निगम, भाई मोहम्मद नाजिम जी समाज सेवी एवं सभी क्षेत्रवासियों ने अभी 18 उन जवानों को जिन्होंने उड़ी में हमारे लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, ऐसे जवानों को सभी क्षेत्रवासियों ने कैंडल मार्च निकालकर अपनी श्रद्धांजलि दी। अब मैं निवेदन मैडम बताइए, आज जो अपने देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है तो कैसा महसूस होता है आपको यहाँ श्रद्धांजलि देना है? आज हमारे पिछले कई रोज से हम लोग श्रद्धांजलि सभाएं कर रहे हैं और आज राजकुमार भाटी जी ने ये कार्यक्रम किया है। मैं देश के उन शहीदों को नमन करती हूँ जो जिन्हें ये नहीं मालूम था कि कल की रात उनकी कैसी जाएगी और उन्हें सोते हुए आतंकवादियों ने मार गिराया, तो ये बहुत शर्मनाक बात है, पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है, पाकिस्तान के लिए शर्मनाक बात है कि सोते हुए हमारे जो सैनिक है उनको मार दिया। और वाकई में इसके लिए हमारे पूरे समाज में सभी लोगों में आक्रोश है और होना भी चाहिए। जो देश का सैनिक है वो सबके लिए, हम सबकी रक्षा के लिए बॉर्डर पर बैठा हुआ है और हमें उन लोगों के लिए हमेशा ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं वो लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आपने देखा होगा उन्होंने कल जो अपना भाषण दिया नवाज शरीफ ने, वो बहुत ही शर्मनाक था, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में देने वाला भाषण नहीं था। वो उन्हें जो आतंकवादी हैं उनको सैनिक बना रहे हैं, उन्हें नेता बना रहे हैं। इस तरह के भाषणों से मुझे लगता है हिंदुस्तान को अब जागरूक होने की ज़रूरत है, वो ऐसे उन लोगों की जो बातें हैं उन पर ना जाके अपने देश की रक्षा के लिए हम हर कदम उठाएंगे। मैडम जैसे कि भारत में बीजेपी की सरकार और जवाब देने में इतनी देरी हो रही है तो क्या कहेंगे आप? नहीं, जवाबदेही में देरी नहीं, ये सब चीज़ें प्लान के साथ होनी चाहिए मैं तो कहूँगी, और जवाब कभी भी कहीं भी दिया जा सकता है, ये देरी और सवेरी की बात नहीं है और उन्हें जवाब जरूर मिलेगा, ये मेरी मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है। हाँ सर बताइएगा, आज यहाँ पर जो प्रोग्राम किया गया है श्रद्धांजलि दी गई है तो क्या कहना है? उड़ी में हमारे जितने सैनिक शहीद हुए उसको हम सलामी देना है, उसके लिए कैंडल जलाकर हमने सलामी दी है। और हम ये कहना चाहते हैं जो पाकिस्तान या कश्मीर में जो भी आतंकवादी है ये अपन सत्ता का अनुसरण किया है, सोचे हुए हमारे सैनिकों को उन्होंने हमला किया है, अगर पाकिस्तान में हिम्मत है तो आपके सामने लड़े ना, तो 44 जो बाहर चल रहे हैं पहचान है और हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान की हैसियत नहीं है, इंडिया के लोगों में बर्दाश्त ज़्यादा है, अभी बर्दाश्त कर रहे हैं लेकिन मन बना लिया पाकिस्तान को समझ सिखाने का, पाकिस्तान का नाम ही नहीं रहेगा, पाकिस्तान रेस्त नाबूद हो जाएगा, पाकिस्तान का कोई औकात नहीं हिंदुस्तान के साथ। देखिए ऐसा नहीं होता कि एकदम उठा के हमला थोड़ा किया जाता है, उसकी पॉलिसी बनती है, उसके सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, यूएन में बैठा है, दुनिया के और राष्ट्र बैठे हैं, उनको ये दिखाया जाएगा कि लगातार भारत की तरफ से पाकिस्तान को सबूत देते आए हैं हम, और कितने सबूत देने की जरूरत है? हमारे बॉर्डर पर हमारी सेना क्या कर रही है, हमारा देश क्या कर रहा है, वो सारी बात आपको थोड़ा ही बताई जाएंगी, उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन ये चैनलों को नहीं बताई जाती, काम चल रहा है उससे बेफिक्र। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम राजकुमार भाटी है और मैं अध्यक्ष हूँ श्री गीता जयंती समारोह समिति एनजीओ का। देखिए
ये समिति देश के शहीदों के लिए काम करती है। अभी तक हम देश के 43 शहीदों को, उनके परिवारों को बुलाकर उनको अभी तक सम्मानित कर चुके हैं, और कल रात को हमारा मन बना और तभी हमने महापौर जी को, चौधरी मतीन अहमद जी को निवेदन किया कि आप कल आइएगा। और आज एक छोटे से नोटिस में सीलमपुर में एक ये आयोजन किया है। उरी के 18 शहीदों को हमने अपनी श्रद्धांजलि दी है, पूरे क्षेत्र में श्रद्धांजलि दी है कैंडल मार्च निकालकर, जैसा आप सभी लोगों ने खबर भी किया। और जैसी चौधरी साहब ने बात कही है कि आने वाला समय जो है वो पता भी नहीं चलेगा कि कब जवाब दिया जा रहा है, और एक मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और क्योंकि देश की जनता आज सरकार के साथ है और सरकार पूरी तरह से सामर्थ्यवान है हमारी देश की, इसमें कोई कमी वाली बात नहीं। सर, पूरी सत्ता में है, फिर भी थोड़ी सी कमियां लग रही है कहीं ना कहीं, क्या कहना चाहेंगे? कमियां कुछ नहीं है। एक CCS की बैठक जो कारगिल युद्ध से पहले हुई थी और उसके बाद अब तक नहीं हुई थी, कल वो हो चुकी है। और उसके बाद आज 11 आतंकवादी जिस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्रों में जो आतंकवादियों को आज मारा है, 11 आतंकवादी, ये उसी का जवाब। सर, देश की जनता जवाब चाहती है, देश की जनता में गुस्सा है अपने शहीदों को लेकर, तो देश की जनता सरकार से जवाब चाहती है। जैसे आज रहा और महापौर जी ने भी कहा, जिस तरह से देश के गृहमंत्री, प्रधानमंत्री और विपक्ष, मोदी, सबसे बड़ी बात होती है विपक्ष जो है वो आज साथ खड़ा है, जिस तरह से चाहे वो अजय माकन हो या दूसरे दलों के नेता हों, सबने कहा है कि देश की पूरी जनता आपके साथ है, देश का पूरा विपक्ष आपके साथ है और पूरी सरकार किसी भी दिन मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। हमारे पास सारी चीजें हमारे पास सक्षम है। ऐसे में देश का एक ही धर्म है, कोई भी पार्टी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक धर्म है, मुंह तोड़ जवाब।